हमरा अपनी जिंदगी में हमारे बेटा जा रहा है, बेटा अभी हम नहीं मर लिए, हमारे बेटा जा रहा है बीमार पड़ गए अभी तीन लोग। तो इन लोगों का जो है जगह देख करके आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी जो है इन लोग काबिले रहम हालत है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों इस वक्त मैं भोकराहा नर्सिंग वार्ड नंबर 5 में हूँ, जो कि इसका पुराना नाम टपरा वार्ड नंबर 4। दोस्तों यहाँ पर मैं अभी आया हूँ इस भाई के से मिलने के लिए। अब इसके साथ में क्या दिक्कत क्या प्रॉब्लम है अभी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग उसे उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, और आप में से जो भाई कुछ अगर इनको मदद कर सकते हैं तो मदद करें। अभी मैं आप लोगों के साथ में सारी चीज़ शेयर करने वाला हूं कि मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ में क्यों शेयर कर रहा हूं। तो सबसे पहले आपका नाम बताइए, क्या हुआ नाम आपका? मेरा नाम मौलवी मोहम्मद खलील अंसारी है। मेरा घर भोकरा नर्सिंग 5 में टपरा है। मैं तकरीबन 2 महीना से मर्ज में मुबतला हो चुका हूँ। कौन सी बीमारी? यानी कैंसर का जो है, यहाँ विराट नगर नर्सिंग होम से भी जो है कैंसर ही का जो रिपोर्ट मिला है। पारस से भी कैंसर ही का बताया है, लाइफ गार्ड से भी कैंसर ही का बताया। उसके बाद यहाँ से हमको जो है भेज दिया गया भरतपुर। अभी वहाँ से हमारा इलाज चालू है, केमो चल रहा है। तो दोस्तों आप लोगों ने सुन लिया कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि अगर किसी को लग जाए तो उसके साथ में क्या दिक्कत क्या परेशानी होती है, आप लोग इसको समझ सकते हैं। इसके लिए कितना जो है मोटा रकम चाहिए इसको इलाज करने के लिए। तो आप लोगों से जो वीडियो हम शेयर कर रहे हैं इसी उम्मीद में शेयर कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आप लोगों को कुछ अगर दिया है, जो कुछ अगर खर्च करना चाहते हैं अपने वालदेन के नाम से, अपने भाई के नाम से, अपनी बहन के नाम से, या अपने किसी भी रिश्तेदार के नाम से अगर कुछ अगर खर्च करना चाहते हैं तो इसको ज़रूर डोनेट करें, क्योंकि इसके जो है मुस्तहिक हैं। जब मैं इनका घर देखा हूँ तो देखने के बाद ही पता चल रहा है कि जो है किस हालत में है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों इन लोगों का घर, यहाँ पर है किचन सामने में, और ये है इन लोगों का रहने वाला घर। तो इन लोगों का जो है जगह देख करके आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी जो है इन लोगों की काबिल रहम हालत है। तो जो हो सकता है आप लोगों से ज़रूर इनकी मदद करें। अच्छा ये बताइए जो है आपके बच्चे कितने हैं? 5 लड़की 1 लड़का है, उसमें 3 की मैंने शादी कर चुका हूँ, एक बच्ची अभी फिलहाल शादी की काबिल है, और 10 साल का एक लड़का है। 10 साल का लड़का मतलब वो पढ़ रहा है अभी? वो पढ़ रहा है तब कम से कम जो है अभी वो 8-9 साल तक और पढ़ाई करने के बाद ही कुछ काम कर सकता है। तो 6 साल की एक लड़की और है। अच्छा आप करते क्या हैं? मदरसा तालीम कुरान में मैं तालीम दे रहा था। अभी तकरीबन 2 महीना से मुकम्मल घर बैठा हूँ बीमारी की वजह से। आमदनी कोई जरिया? कोई जरिया नहीं है। कोई जरिया नहीं, सिर्फ ये 10 दूध घड़े भी है, इसमें मेरे बहुत बाल बच्चे इसमें रखते हैं, इसके अलावा और खेती सब का कोई ज़मीन नहीं है? कुछ नहीं है। अच्छा अभी तक आपको सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिला कि नहीं मिला? कुछ सहयोग नहीं मिला है। कुछ नहीं, तो जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो दोस्तों आप इनकी हालत देख करके समझ सकते हैं कि कितनी जो है काबिल रहम हालत है। और अगर आप लोग अगर हम लोग थोड़ा अगर मिल करके कोशिश करें, खर्च करें इनके ऊपर में, अगर मदद करें तो इंशाल्लाह इनकी जो है चेहरे पर जो अभी रोना आ रहा है इनके चेहरे पर फिर से खुशी आ सकती है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ज़रूर इनकी मदद करें। अच्छा आप ये बताइए कि आपको जो है कितना दिन से इस तरह मतलब परेशानी आपको समझ में आया कि हमको कुछ भी दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको चेक कराना चाहिए? ये परेशानी हमको जो है ना तकरीबन 2 महीना से जो है जिकायदा 15-20 तारीख जिकायदा से जो है ना हमको जो है ये कुछ परेशानी बढ़ी है। उसके बाद हमने चेक चेक करवाना शुरू किया, यही जिकायदा से जो है जिकायदा जिलीजा ख़त्म वाली मुहर्रम चल रहा है, तकरीबन 2 महीना हुआ है, होने वाला है 2 महीना। और ये प्रॉब्लम जो है सर पेट में ही है, और कभी कभार जो है इसे शुरुआत होता था 2-4 महीना पे, कभी गैस बनता था उसका दवा खा लेते थे जैसे लोग वगैरह आराम हो जाता था, फिर कभी कोई परेशानी नहीं।
और ये परेशानी हुई थी अचानक इस तरह से हुआ तो फिर बढ़िए राजू कम नहीं हुआ। वहाँ जो भरतपुर गए थे तो कब गए थे और क्या वहाँ से क्या करके आए, क्या उसका क्या प्रोसेस, क्या खर्चा वर्चा कितना लगता है? भरतपुर जाने आने में जो भरतपुर गए तो वहाँ सारा रिपोर्ट यहीं का जो विराट नगर ही का काम किया, सिर्फ वहाँ जो है मांसों का चेक किए, गोश्त का जाँच, गोश्त जाँच करके और ब्लड का जाँच करके जो है वहाँ पर जो है फिर केमो वगैरह चढ़ाया। उसमें जो हम फर्स्ट बार जो तकरीबन 45,000 रुपया खर्चा हुआ, दूसरी बार गए तो 30,000 रुपया खर्चा हुआ है, और फिर जो है 14 दिन पे बुलाया है तो अब उसमें बताया जो इसमें जो है इस बार जो 14 दिन पे जो आया जाएंगे तो इसमें उससे बताया कुछ बड़ी खर्चा होगा, उससे 4,000 कुछ बड़ी भी हो सकता है। तो दोस्तों एक जो है बेरोजगार आदमी के लिए 30 से 35,000 अगर 10,000 भी अगर अरेंज करने के लिए बोला जाए तो बहुत ज़्यादा ये दिक्कत की बात है। एक बेरोजगार आदमी कहाँ से 10,000 रुपया 5,000 रुपया लाएगा, लेकिन इसके साथ में दिक्कत यह है कि एक मरतबा में इसको 30 से 35,000 40,000 रुपया खर्चा होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इनके जो है मतलब कि हैसियत से बहुत ऊपर है। तो इसीलिए आप लोगों के साथ में जो ये भाई उम्मीद के साथ में आप लोगों से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप लोग कुछ मदद करें। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और दिखाना चाहूँगा वो ये कि ये सिर्फ जो है बीमार ही नहीं बल्कि ये शुरू से ही माजूर है। मैं आप लोगों इनका पैर दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए दोस्तों, थोड़ा पैर ऊपर कीजिए, लुंगी ऊपर कीजिए आप, ये देखिए दोस्तों थोड़ा अच्छे से दिखाइए पैर, ये देख सकते हैं दोस्तों इनका जो है पैर, ये शुरू से ही इनका पैर जो है माजूर है, ये अच्छे से चल भी नहीं सकते इनका पैर आप देख सकते हैं। तो ये और भी मदद के मुस्तहिक हैं। और ये इनकी बूढ़ी वालदा है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके सामने में अगर किसी माँ के सामने उसका बच्चा अगर इस तरह बीमार हो जाए, किस तरह अगर दिक्कत प्रॉब्लम में हो जाए तो एक माँ के दिल पे क्या गुजर सकता है। इनकी जो है आप हालत देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी उम्र भी इस तरह नहीं रही है कि कुछ काम करके अपने बच्चों के लिए कुछ कर सके, और इनके जो है वारिस साहब भी नहीं है जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। तो कहीं से भी किधर से भी इनका जो है एक रुपये भी आने की कोई भी सूरत नहीं दिखाई पड़ रही है सिर्फ आप लोगों के अलावा। तो आप लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सकता है अगर मदद कर सकते हैं तो इनकी मदद करें, या अगर इनकी मदद आप नहीं कर सकते हैं तो कम से कम दुआ में आमीन ज़रूर लिखें, इस वीडियो को शेयर करके आगे तक पहुंचाएं। हो सकता है कि 10-20,000 लोगों की अगर आमीन अगर लग जाए, इनके साथ अगर दुआ लग जाए तो अल्लाह ताला हो सकता है इनकी सेहत को फिर से दोबारा बहाल कर सकते हैं और ये फिर से अपनी जो है ज़िंदगी में वापस आ सकते हैं। और इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो है उनके सर पर भी साया बाकी रहे। हमारा अपनी ज़िंदगी में हमारे बेटा जा रहा है, बेटा अभी हमने मर लिए, हमारे बेटा जा रहा है बीमार कर गए, हमारे बेटा बीमार भै गए, चार बाल बच्चा थे, ब्याह शादी नहीं भेल, 3 बेटी ब्याह कर लक, 2 कुमार थे, 1 बेटा, 2 बेटा हमारा अपांग भै गए, अब पढ़ौनी करते रहे, पढ़ौनी करके बैठ गए घर घर बैठ गए, अब अपनी बेटा टेका नहीं बैठे थे, तो वह ना मदद करा हमारे बेटा का। दोस्तों ये सारे वो डॉक्यूमेंट हैं, मैं आप लोग का नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये जो है ये सारा डॉक्यूमेंट इनका जो कि इनको चितवन अस्पताल प्राली में मिला है, इनकी जो है एज यहाँ पर 45 दिखा रहा है, ये सारे डॉक्यूमेंट हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं जो कि उनको वहाँ जाने के बाद में कार्ड बनाना पड़ता है। तो दोस्तों इसी साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आप लोगों को यहाँ पर बैंक अकाउंट और जो भी सूरत आप लोग इस मदद करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। जज़ाकअल्लाह खैर।